बिल्कुल सही मेरे भाई, जैसा आपने थंबनेल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंस्टाग्राम के स्टोरी व्यूज़ के बारे में। बिल्कुल सही मेरे भाई, जितना ज़रूरी आपकी पोस्ट पे लाइक और कमेंट आना है, उससे कहीं ज़्यादा आपकी स्टोरीज़ पे व्यूज़ आना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। वो कहीं ना कहीं आपके फॉलोवर और आपकी एंगेजमेंट और आपकी आईडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की स्टूडियो में मैं आपको चार टिप दूंगा मेरे भाई, वो चारों टिप आप फॉलो कर लेना और आप कंपेयर कर लेना, आज स्टोरी डालना और 24 घंटे बाद जो मैं आपको चार टिप बता रहा हूँ वो डालना और दोनों के व्यूज़ को कंपेयर कर लेना। आपको पता चल जाएगा आपके स्टोरी व्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं या नहीं हुए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहला पॉइंट। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है या आपके काम आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को ज़रूर मेरे भाई सब्सक्राइब करें। तो अब जो पहला पॉइंट है वो है मेरे भाई पोस्ट कंटिन्यूसली। पोस्ट कंटिन्यूसली मतलब स्टोरी कंटिन्यूसली। आपको एक दिन में मिनिमम एक स्टोरी तो डालनी है, मिनिमम मैं 5 मानता हूँ। लेकिन आपके लिए मैं अभी स्टार्टिंग में, अगर आप नहीं डाल रहे हो स्टोरीज, इंस्टाग्राम ने ये ऑप्शन क्यों दिया है? अगर पोस्ट का दिया है तो आप पोस्ट करते हो, स्टोरी का दिया है तो आपको स्टोरी डालनी चाहिए। IGTV रील्स वो सब अलग है, बाद में बात करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ स्टोरी। तो जो पहला पॉइंट है वो है मेरे भाई आपको मिनिमम एक स्टोरी या फिर नॉर्मल 5 स्टोरी तो आपको पोस्ट करनी ही करनी है दिन में। क्योंकि जैसे आप अगर स्टोरी अभी डाल ही नहीं रहे हो और आप सोच रहे हो कि पहली स्टोरी डालूंगा और उसमें अगर 500 फॉलोवर है तो 100-200 व्यूज़ आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे मेरे भाई। क्योंकि लोगों आपके देखेंगे ही नहीं। आप स्टोरी अगर डेली नहीं डालते हो तो ऊपर जो स्टोरी सेक्शन है वहाँ लोगों के लिए, लोगों की जो आईडी है जिनको आप फॉलो करते हो या आपके फॉलोवर है, वहाँ उनकी आईडी में आपका दिखाएगा ही नहीं स्टोरी। तो आपको पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है कि आपको स्टोरी डालनी है, एक तो डालनी है, आप 5 डालिए मिनिमम। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है वो है मेरे भाई पोल्स। आपको पोल्स क्रिएट करने, पोल्स मतलब आपको पता होगा क्या होता है, जैसे बहुत लोगों ने आपने देखा होगा, बहुत लोग डालते हैं हु इज़ योर, डू यू हैव क्रश, येस और नो, फेवरेट फूड, 2 फूड के नाम लिख देते हैं, फेवरेट प्लेस, 2 नाम लिख देते हैं, फेवरेट मूवी, फेवरेट सॉन्ग, येस और नो, या दोनों मूवी के नाम, वो मतलब पोल्स क्रिएट करते हैं। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, पोल्स क्रिएट करने हैं डेली, आपको पोल्स क्रिएट करने हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने पोल्स क्रिएट किए उसके पहले अगर आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट में कोई स्टोरी डली हुई है, कोई वीडियो डली हुई है, कोई फोटो डली हुई है या कुछ भी डला हुआ है, तो आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो ये आइडिया, ये टिप काम नहीं करेगी। तो आपको उसको डिलीट करना है और उसके बाद आपको पोल क्रिएट करना है। अगर पहले कोई भी स्टोरी वगैरह उनको डिलीट कर दें, उसके बाद आप क्या स्टार्ट करें, पोल्स। मिनिमम आप 5 पोल डालें मिनिमम, और आप कंपेयर कर लेना, एक स्टोरी आप डालना बिना पोल्स के 24 घंटे में, उसके आप व्यूज़ देख लेना कितने व्यूज़ है। उसके बाद 5 पोल्स आप क्रिएट करना, आप व्यूज़ आप खुद कंपेयर कर लेना किसके व्यूज़ ज़्यादा आए या कम आए। अब बात करते हैं मेरे भाई तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा जो पॉइंट है वो है मेरे भाई एंगेजिंग कंटेंट। आपको स्टोरी में ऐसा नहीं है आप कुछ भी उठ रहे हो, किसी की भी फोटो डाल दी, सेल्फी डाल दी, हाँ सेल्फी डाल सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा कंटेंट डालना है जो शेयर हो। शेयर मतलब लोग उसको, जैसे आपने देखा होगा मीम हम लोग शेयर करते हैं स्टोरी में, मतलब सॉरी जो भी मीम कोई फोटो आती है हमको लगता है कि हाँ इससे हम रिलेट कर पा रहे हैं अपने दोस्त को या किसी रिलेटिव को, तो हम उसको वो सेंड कर देते हैं। तो आपको स्टोरी में भी ऐसा कुछ डालना है जिसको लोग शेयर करें। कोई अच्छी प्लेस डाल सकते हो, आप कहीं घूमने गए हो वो अच्छी जगह डाल सकते हो, ताकि कोई और भी उसको शेयर करके किसी को आगे बताए कि यहाँ हमें भी चलना चाहिए घूमने के लिए, या कोई कैफ़े आप जाते हो, कोई मूवी देखने जाते हो अच्छे मॉल में या स्विमिंग पूल में या कहीं भी आप जाते हो, तो वो जगह की आप अच्छी सी फ़ोटो क्लिक करके डालो ताकि वो शेयर हो, या फिर अच्छे अच्छे मीम्स या न्यूज़ या जो अपडेट होते हैं, न्यू अपडेट आ रहे हैं अभी, बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, उनको आप डाल सकते हो स्टोरी में, तो लोग वो शेयर करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था कि आपको मिनिमम एक स्टोरी या दिन में 5 स्टोरी पोस्ट करनी है। दूसरा था कि आपको पोल्स क्रिएट करने। तीसरा है कि आपको एंगेजिंग कंटेंट डालना है जो एंगेज करे लोगों को आपकी आईडी के लिए, शेयर करे कंटेंट को, शेयरेबल कंटेंट आपको पोस्ट करना है स्टोरी में। चौथा जो पॉइंट है वो है मेरे भाई आपको लोकेशन। लोकेशन जहाँ भी आप फोटो डालते हो उसकी लोकेशन आपको हमेशा डालनी है वहाँ पे, कि ये कहाँ की है। लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर उस लोकेशन पे आपकी अगर पोस्ट चल गई मेरे भाई, तो वो अगर वो लोकेशन की भी आप देखा होगा, जैसे हैशटैग होता है उसकी भी एक रीच होती है, टॉप रीच पे कौन चल रहा है उस हैशटैग पे। अगर आप लोकेशन पे आपकी फ़ोटो चल गई तो वो लोकेशन को अगर कोई सर्च करेगा तो वहाँ आपकी अगर पोस्ट 1 पे आ गई तो वो भी आपकी वायरल हो सकती है, वहाँ से आपके फॉलोवर वगैरह बढ़ना भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो मेरे भाई हमेशा आपको अपनी पोस्ट में लोकेशन को अनेबल कर
करके रखना है। लोकेशन के साथ साथ आपको मैं एक प्रो टिप बोर्ड दे देता हूँ, आपको हैशटैग यूज़ करने स्टोरी में। आप जैसे आप अपनी पोस्ट में हैशटैग को यूज़ करते हो, वहाँ 25-30 हैशटैग आप डाल सकते हो, लेकिन स्टोरीज़ में उतना नहीं होता। स्टोरीज़ में आप मिनिमम 9-10 हैशटैग को यूज़ कर सकते हो। तो आप कोशिश कीजिए स्टार्टिंग में 1-2 डालने की, मिनिमम मैक्सिमम 3 बता रहा हूँ। आप 3 हैशटैग डालिए, उसको आप हाइड करके भी डाल सकते हो, मतलब हैशटैग लिखने के बाद उसके ऊपर फोटो डाल सकते हो, या फिर आप उसको दिखा भी सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आपको लोकेशन के साथ साथ मेरे भाई हैशटैग का भी यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी टिप्स जो मैंने आपको बताई, एक बार आप अपने अकाउंट पर करके देखना, उसके बाद आप व्यूज़ देख लेना, आपके व्यूज़ यहाँ से यहाँ चल जाएंगे, उसके साथ साथ आपके फॉलोवर बढ़ना भी शुरू हो जाएंगे, लाइक कमेंट आना सब। इसके अलावा अगर इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपको और कुछ जानना है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, फॉलोवर कैसे बढ़ाने, राइट टाइम कौन सा है, हैशटैग बैन हैशटैग, सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी मेरे भाई जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.